आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में 7 नई तहसीलों के गठन को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के हर ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। प्रदेश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए आज भोपाल में दिए जा रहे हैं उत्कृष्टता पुरस्कार। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेली जा रही राष्ट्रीय सीनियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने जीते 2 रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की आज भोपाल में हुई बैठक में प्रदेश में 7 नई तहसीलें गठित करने की मंजूरी दी गई। बैठक में मंत्रिपरिषद ने रायसेन जिले के देवरी, राजगढ़ के खुजनेर और सुठालिया, शिवपुरी के रनौद, उज्जैन के झाड़ा, अशोकनगर के बहादुरपुर और धार जिले के पीथमपुर को तहसील बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रत्येक नई तहसील के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद ने संसदीय कार्य विभाग की स्थापना में स्वीकृत 12 अस्थायी पदों को 31 मार्च 2019 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया। वहीं मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3,36,15,000 रूपये की राशि के पूंजीगत निवेश तथा 35 नए पदों के सृजन की भी मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की राशि बढ़ाकर 4,00,000 रूपये किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। श्री चौहान ने आज सतना में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनमें जाति धर्म का कोई भेद नहीं रखा गया है। श्री चौहान ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 75,000 से बढ़ाकर 3,00,000 रूपये कर दी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि वर्षा में एकरूपता नहीं होने के बावजूद इस वर्ष खरीफ और रबी के दौरान फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होगी। श्री रूपाला ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि देश के कुछ हिस्सों में औसत वर्षा नहीं हुई है और कहीं बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के कठोर परिश्रम, उन्नत बीज, कृषि के लिए जरूरी उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं में विस्तार से फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होगी। उन्होंने कहा कि जहां भी बाढ़ से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई रबी अभियान के दौरान की जाएगी। सरकार ने वर्ष 2018-19 में खरीफ और रबी के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया है। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय पदक तालिका में 102 स्वर्ण, 93 रजत, 120 कांस्य पदक हासिल कर तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2017-18 में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी कैलेंडर में से मध्यप्रदेश में 15 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोजन की गुणवत्ता के कारण प्रदेश को पुरस्कृत भी किया गया है। प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता एशियन स्कूल हॉकी चैंपियनशिप 2017 में आयोजित की गई। इसमें भारत के 7-8 देशों में सहभागिता की। इस प्रतियोगिता में भारत की टीम विजेता रही। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री हर घर बिजली यानी सौभाग्य योजना और राज्य सरकार की संबल योजना के अब प्रदेश में भी सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश के दूरांचलों में बिजली पहुंची है। वहीं संबल योजना के जरिए निम्न आय वर्ग वाले परिवारों के बिजली बिल कम या माफ हो रहे हैं। सतना जिले के रहने वाले सूरज बता रहे हैं कि राज्य सरकार की संबल योजना के तहत उनका बिजली बिल माफ हो गया है, जिससे वे अब राहत महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम सूरज है, मैं जवाहर नगर में रहता हूँ। मेरा बिजली का बिल बहुत आया था, 10,000 रुपए। सरकार द्वारा जो बिजली का बिल माफ हुआ है, मैं उनका धन्यवाद। वे ऐसी ही संबल योजना के हितग्राही रानी वंशवार बता रही कि उनकी भी बिजली का बिल माफ होने से उन्हें सहूलियत हो गई है। मेरा नाम रानी वंशवार है,
जवाहर नगर गली नंबर 10 में रहती हूँ, सतना में। 4000 मेरा बिजली का बिल था, वो माफ हो गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद भोपाल के नरूना प्रशासनिक अकादमी में प्रदेश में ई गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 2015-17 के लिए 10 श्रेणियों में 24 विजेताओं को पुरस्कार भी देंगे। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा नागरिक सेवाओं में सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग से कार्यान्वित सर्वश्रेष्ठ परियोजना, मोबाइल गवर्नेंस, श्रेष्ठ ई शासित जिला, सर्वश्रेष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रचार जैसे प्रयास शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार स्थायी विकास के लिए सब्सिडी को सार्वजनिक निवेश के साथ जोड़ने के, खासतौर पर कृषि क्षेत्र में ऐसा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। श्री जेटली ने आज नई दिल्ली में सपोर्टिंग इंडियन फॉर्म्स द स्मार्ट वे नाम की पुस्तक का लोकार्पण करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने से सरकार के पास कृषि क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। जबलपुर में हर साल की तरह इस साल भी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले नर्मदा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस संबंध में जबलपुर पर्यटन और प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि महोत्सव में इस बार मशहूर गायक हंसराज हंस और कविता पोटवाल अपनी प्रस्तुति देंगी। इन कलाकारों का चयन संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेली जा रही राष्ट्रीय सीनियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किए। राष्ट्रीय सीनियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में आज खेले गए एलिमेंट्री डेसाज व्यक्तिगत मुकाबले में मध्य प्रदेश के फराज खान ने 1 कांस्य पदक जीता, जबकि प्रतियोगिता के अंतर्गत कल खेले गए प्रीलिम डेसाज टीम इवेंट में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता। वहीं सी इवेंट की व्यक्तिगत स्पर्धा में फराज खान ने 1 रजत पदक अर्जित किया। प्रतियोगिता के अंतर्गत कल जूनियर नेशनल के ये ट्रायल आयोजित किया जाएगा। कोलकाता में आगामी दिसंबर महीने में होने वाली जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता के लिए पहला सिलेक्शन ट्रायल मेरठ में होगा, जबकि दूसरा ट्रायल जयपुर में होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिला पंचायत में सामान्य सभा 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी। खंडवा जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 23 सितंबर से शिविर लगाए जाएंगे। देवास में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री क्रप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नरसिंहपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने ऋण माफी और फसल के पूरे दाम की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रायसेन जिले में पर्यटन स्थलों के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 सितंबर को मंडीदीप और 25 सितंबर को उदयपुरा में पर्यटन से संबंधित रोजगार मेले लगाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में 7 नई तहसीलों के गठन को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के हर ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग के लिए बनाए जाएंगे छात्रावास। प्रदेश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए आज भोपाल में दिए जा रहे हैं उत्कृष्टता पुरस्कार और उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेली जा रही राष्ट्रीय सीनियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने जीते 2 रजत पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।